सबका फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार की कहानी में आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पत्रलेखा बार बार सई को विराट से मिलने ना देने के लिए खूब सारी दलीलें दे रही होगी, जहां पर फाइनली सई को सपोर्ट करेगा मोहित और कहेगा कि वहनी आप जाकर के दादा से मिलिए, मैं भी देखता हूं कि आपको उन्हें मिलने से कौन रोक सकता है। सई यहाँ पर मोहित का शुक्रिया अदा करेगी और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ विराट को देखने के लिए अंदर घुस जाएगी और पत्रलेखा घर के बाकी सब मोहित को देखते रह जाएंगे। यहाँ पर सई जैसे ही विराट को ICU के बाहर से देखेगी उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगी और वो उसे देखकर इमोशनल हो जाएगी। सई अपने कान पकड़ेगी और विराट से कहेगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए विराट सर, मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सई विराट को देख देख कर बहुत बुरी तरह से रोएगी और उसे प्रॉमिस करेगी कि मैं आपसे हर रोज़ मिलने आऊँगी। पुलकित और सई यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए आ ही रहे होंगे तभी सई और पाखी यहाँ पर एक दूसरे से फिर से भिड़ जाती हैं। जैसे ही सई जाने वाली होती है हॉस्पिटल से, वो पाखी से कहती है कि मैं कल ज़रूर आऊँगी और विराट सर से बात करूँगी। विराट सर अगर होश में आएंगे और वो मुझसे कहेंगे कि मुझसे नहीं मिलना चाहते तो मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखूँगी। पाखी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो रोने शुरू कर देती है, जिसे देख कर निनाद और मोहित भी विराट से मिलने के लिए चले जाते हैं। पाखी का यहाँ पर इमोशनल ब्रेकडाउन नज़र आएगा, जहाँ पर निनाद पाखी के सर पर हाथ रखेगा और उसे कहेगा कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारी और विराट की दोस्ती ठीक वैसी ही है जैसी मेरी और भवानी बहने की है। निनाद कहेगा पाखी से कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें किसी की बात से कोई भी फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, खासतौर से उस सई का। निनाद यहाँ पर अपना और भवानी का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करेगा और कहेगा कि हम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा साफ है, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है, लेकिन कभी भी अश्विनी को हमने अपने रिश्ते के बीच में नहीं आने दिया। तभी निनाद यहाँ पर पत्रलेखा को समझाएगा कि भवानी ने इस परिवार के लिए बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं और उसी की वजह से आज हमारी पूरी फैमिली एक साथ है, लेकिन कभी भी उन्होंने हमारी फैमिली पर कोई आँच नहीं आने दी। निनाद यहाँ पर विराट की जिम्मेदारी पत्रलेखा को देगा, उसे कहेगा कि मैं चाहता हूँ तुम पूरी रात विराट के साथ यहाँ रुको और उसका ख्याल रखो। यहाँ पर पुलकित देवयानी सई को कंसोल करेंगे और उसे समझाएंगे कि तुम विराट के लिए जो फील करती हो वो उसे अपनी ज़ुबान पर लाओ, तुम उसे नफरत नहीं करती। यहाँ पर पाखी रोएगी विराट को देखकर और उसके साथ हॉस्पिटल में बात करती हुई नजर आएगी और कहेगी कि विराट मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम देख रहे हो कि मैं तुम्हारी कितनी केयर कर रही हूँ, कैसे तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए इतना बुरा क्यों सोचने लगे हो, क्यों समझने लगे हो, लेकिन मैं तुम्हारी सच में बहुत परवाह करती हूँ। पुलकित यहाँ पर सही से कहेगा कि तुम एक फ़ाइनल डिसीजन ले लो कि तुम्हें विराट से मिलना है या नहीं। अगर तुम विराट से मिलना चाहती हो तो इसका मतलब तुम उससे पैचअप करना चाहती हो और तुम उसके साथ घर वापस लौट जाओगी। सही यहाँ पर पुलकित को अपनी बात क्लियर करती है और कहती है कि नहीं, मैं चवन हाउस वापस नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं पुलकित सर वहाँ पर जाकर के विराट सर को देखना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ और बस ये देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। कल रात के प्रीकैप में वही सेम दिखाया जाएगा कि विराट से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, विराट का हाथ पकड़ती है, विराट को होश आ जाता है। जैसे ही पाखी एंटर होती है वो फिर से अपनी आग के शोले बरसाने लगती है सई पर और विराट के सामने सई कहती है कि आप खुद ही क्यों नहीं बता देते कि आप किसको यहाँ पर रखना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। यही हो जाएगा शायद के एपिसोड का एंड, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आगे विराट क्या फैसला लेता है। We'll be right back.